सप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण मानोस्ते देवी ब्रह्मावी हरि प्रिय वृंदावन तुलसी देव प्रिया कृष्ण भक्ति पति देवी सत्यवते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि श्री गौर भक्त वृंद बोलो श्री हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो श्री गुरुदेव जी की जय। संसार दहनी दग्ध जीव कुल उधर कारणी करुणा बारी द कृपा बारी दानी बंदी से गुरु चरण कमल नृत्य गीत वाद्य श्री हरि कीर्तनी रहे नमगन महामत मने रोमांच कंपाश्र हय गौर प्रेमे बंदी से गुरु चरण कमल सदार तेनी विग्रह से बने श्रृंगार दियार मंदिर मार्जनी करे ननी जुक्त अनुगत जने बंदी से गुरु चरण कमल सर्वचुषले जेयर समय प्रसादान्न कृष्ण अति स्वादु हये भक्त स्वादनी निज तृप्त रहे बंदी से गुरु चरण कमल राधा माधव नाम रूप गुनी अनंत माधुर्य लीला स्वादनी लुब्ध चितजिनी अन प्रतिनी बंद से गुरु शरण कमल ब्रज जुव द्वंद रति संवर्धनी जुक्ति करे सखी सन वृंदावनी अति दक्षता है प्रिय मगनी बंद से गुरु चरण कमल सर्वशास्त्रे गाए श्री हरि स्वरूप भक्तगण भावे से अनुरूप हिंदु जिनी प्रभु प्रियतम रूप बंद से गुरु चरण कमल जहर प्रसाद कृष्ण कृपा पाई जर प्रसादे अन्य गति नहीं त्रिसंध कीर्तिरा सब ध्यानी भाई बंद से गुरु चरण कमल गुरुदेवाशक अति जत्न करी ब्राह्मी मुहूर्ते पढ़े उच्च करी वृंदावन नाथ साक्षात श्रीहरि सेवा पाए से वस्तु सिद्धि काल बंदी से गुरु चरण कमल गुण सिंधु गुरु चरण का जय गुरु देवा जय गुरु देवा गुरु देवा जय गुरु देवा जय गुरु देवा जय गुरु देवा गुरु देवा जय गुरु वृंदावन वासी जत वैष्णवी रागना प्रथमि वंदना करी तबार चरण नीलाचल वासी जत महाप्रभुर गाना भूमि ते पड़िया बंद तबार चरण नव प्रभुर्भक्त जन बंद करिय
मेरा प्रणाते महाप्रभुर्भक्त जत कौरदेश स्थिति तवार चरण बंद करिया प्रणाते जय देशे वैसे गौरंगे रगाना उर्धबाहु करी बंद तवार चरण हया छे न हय वेन प्रभुर्जत दास तवार चरण बंद दंते करि घास ब्रह्मांड तरिते शक्ति हरे जन जाने वेद पुराणी गुण गाय जे वासोने महाप्रभुर गायन सब पतित पवन साई लोभ मुई पापी लाइनो शरण वंदना करी ते मुई सत शक्ति धारी सम बुद्धि तुसे मुई दंभ मात्र करी तथापि मुकेरा भाग्य मने रोलाता दोष क्षमि माधवे कर निज दास सर्ववंत सिद्धि है जमा बंद छोटे जगते दुर्लभया प्रेम धन लोटे मनेरा वसना पूर्ण अचिराते हाय देवकी नंदन दास कई लोग जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे पतित पवन हेतु तब अवतार मसम पतित प्रभु न पाई बिहार आ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सोखे कृपा बलो कान कर हमी बड़ा दोखे दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बले पाए चैतन्य निताए स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग श्री देव प्रभु लोकनाथ दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास दया कर प्रभु पाद हृदयित दास सुध वैष्णवीर संग मागे हे अधम दास कृपा कर गुरु देव पतित पावन चरण सेवा मागे हे पतित ज दयाल निताय दयाल गौर दयाल निताय दयाल गौर
दयाल निताय दयाल गौर दयाल निताय दयाल गौरांग बलि ते हवे पुलक सारी रा हरि हरि बलि ते न यानी बाबनी रा आर का बनी ताई चंदे करुणा हाई बे संसार वासना मोरा अबे तो चाहे बेसाया छड़िया खावे उदहवे माना कबे हा महे रावा प्रे वृंदावना रूप रघुनाथ पदे हई बे आ तो ते कबे हम बुझावा से जुगला प्रीते रूप रघुनाथ पदे राव मर आसा प्रार्थना करे सदा नरोतम दास निताय गो नमानी आमार निताय गो नमानी अनिया प्रेमेरा बन्या भसाइला बनी प्रेमेर बन्ना लैया निताय आइला गौड़ा देसे डूबे लभका तगना दिना ही न भासे दिना ही न पति तपा मर नहीं बासे ब्रह्मार दुर्लभ प्रेमा तवा कर जासे अवध करुणा सिंधु कटिया मुहाना कर घरे भूले प्रेम हमियार बाना लोचन बोले मोर नीताय देवना भजिला जनिया सुनिया से आत्मघात है दयाल निताय दयाल गौर दयाल निताय दयाल गौर दयाल निताय दयाल गौर जय जय हरि नाम निकाल दो जय जय हरि नाम चिदानंद अमृत धाम पर तत्व खराकार निज जनी कृपा करी नाम रूपे अवतरे जीव दया करी लेन अपार जय हरि कृष्ण नाम जग जन शोभे राम सर्वजन मन सरंजन मुनि वृंद निरंतर जन मेर समादर करि गाय भरियाव जय श्री कृष्ण नाम सर्वशक्ति धर हेलाय तुम्हारे एक बार अभिना भव सिंधु उधारित नाही बंधु हसिया च जीव हसताप जीव जत तुम सब करत खिलाय तुम्हारे एक बार डाके यदि को न जान कोई दिन किंचन नहीं देखी अन्न प्रतिकार
तव स्वल्प स्तुति पाय उग्रता पदोरे जय लिंग भंग हाय अनयास भक्ति विनोद कहे जय हरि नाम जय परिता कि पद जय हरि नम जय हरि नम हरि नम जय हरि नम जय जय राधे जय जय माधव जय जय गोकुलतारुणी मंडल मोहिते दामोदर रति वर्धन भेते हरि निस्फुट वृंदाभिपिने आवृत भानु दधि नवसति लेखे ललित सखे गुण रमित विसाके करुणा कुरुमै करुणा भरीते तनक सनातन वर्णित चरिते जय राधे जय जय माधव धरिते जय राधे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि हरि गौर ब्रह्मानंद ओम ज्ञानतिमिरामधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः पंचाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः
वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत करें पदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी तथा जी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग गत्तगल्ला श्रवण कर रहे थे श्री श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आने से पहले ये जगत का क्या दुर्दशा था। जो लोग गीता भागवत पढ़ाया करते थे उनको भी पता नहीं था भगवान का भक्ति ही जीवन का सार है। केवल आपस में तर्क वितर्क लड़ाई झगड़ा शास्त्रों को लेकर के इतना ही करते थे। कोई भी भगवान की नाम जप नहीं करते थे। जो लोग बड़े ध्यानी जोगी भोगी वो लोग भी जो अभिमान करते थे हम बड़े हैं जोगी तपस्वी उनको मुंह में भी कभी भगवान का नाम सुनने को नहीं मिलता था। बोले तुलसी मंजरी सहित गंगा जले निरवधि सेव कृष्णा महाकुतूहले तबे तो अद्वैत सिंह अमार बड़ाई वैकुंठ वल्लभ यदि देखाई एथाई। लेकिन श्री अद्वैत आचार्य हम अद्वैत आचार्य क्या करते थे उनने सब शास्त्र को ढूंढा भगवान को कैसे ला सकते हैं। बोले अगर कोई तुलसी दल अगर गंगा पानी भगवान को कोई अर्पण करते हैं भगवान उससे रीझ जाते हैं। इसलिए वो बड़े आनंद पूर्वक गंगा पानी और तुलसी दे करके भगवान की पूजा करते थे। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य बोलते थे तब भी मेरा नाम अद्वैत आचार्य है अगर मैंने भगवान को गोलोक वृंदावन से अगर यहाँ पर प्रकट कर दिया तभी मेरा नाम श्री अद्वैत आचार्य है। कहते सही नवद्वीप वैसे पंडित श्रीवास जहर मंदिर हैल चैतन्य विलास। एवं श्री नवद्वीप में कहते ये श्रीवास पंडित भी रहते थे। श्रीवास पंडित के घर को घर में श्रीमन महाप्रभु रोज अपना भक्त लोगों को लेकर के हरि कीर्तन रोज रोज हरि कीर्तन करते थे। कहते वो थे चार भाई हाँ वो थे चार भाई और उनको चार पत्नियाँ उनकी बच्चे भी हैं लेकिन कोई काम धाम नहीं करते। दिन भर केवल मृदंग करता लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे केवल हरि कीर्तन करते थे। महाप्रभु एक दिन पहुँचे बोले श्रीवास तुम्हारी इतना बड़ा परिवार इसलिए कोई काम धाम तो कर लो। बोले प्रभु मेरे से काम धाम नहीं होगा। बोले इतना अगर तुम्हारे से कोई काम धाम नहीं होगा तो भाई इतना परिवार कैसे चलेगा हैं। बोले प्रभु आप तो गीता में प्रतिज्ञा किए हो जो व्यक्ति अनन्य रूप में मेरा भजन करता है मैं अपना सर पर रख करके उसको घर में जो चीज़ नहीं मैं पहुँचाता हूँ और उसको घर में जो वस्तु है मैं एक चौकीदारी बन करके उसका सब कुछ चीज़ में रखवाली करता हूँ। आप तो गीता में प्रतिज्ञा किया है ना इसलिए आपका आदेश को मैं पालन कर रहा हूँ। इसलिए मेरे को कहीं काम धाम करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं और मेरे से सब काम होगा नहीं। हम केवल आपका आदेश को ही मैं पालन केवल आपका आदेश का मैं पालन करूँगा हैं। अगर तीन दिन तक देखूँगा उन्होंने तीन बार उन्होंने ताली बजा दिए बोले तीन दिन देखूँगा। पहला दिन देखूँगा तेरा नाम लेकर कुछ आता है कि नहीं दूसरे दिन भी देख लूँगा तीसरे दिन भी देख लूँगा। अगर कुछ नहीं आया ना
गला में कलसी बांध करके हैं, कहते गंगा में मैं डूब मरूंगा, गंगा में मैं छलांग लगा दूंगा। फिर महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, उसका पीठ के ऊपर हाथ थपथपाए, बोले श्रीवास, भले लक्ष्मी कभी कभी दरवाजा में भीख मांगना पड़ जाए, लेकिन तेरे घर में कभी भी कुछ चीज़ का भी असुविधा, तुम्हारे घर में कभी भी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। भगवान उनको ये आशीर्वाद दिए हैं, हाँ, लेकिन जो कमी है वो हमारे अंदर में कमी है। भगवान जैसे कहते हैं हम वैसे नहीं करते हैं। हम सोचते हैं ठीक है, भगवान अगर करेंगे तो करेंगे, नहीं तो हमारे तो बैंक बैलेंस है और हमारा काम धाम है, हम तो संसार में क्या ज़रूरत है, हैं? इसलिए हमारी जो एकांत जो निष्ठा है वो भगवान की चरण में है नहीं, नहीं तो भगवान स्वयं ये बात को उन्होंने भगवान ने प्रतिज्ञा किए है। इसलिए दुखी भावी अद्वैत करे न उपवास, सकल वैष्णव गणे छाड़े दीर्घ श्वास। अद्वैत आचार्य जी कभी कभी बड़े दुखी हो जाते थे, लोगों की ये दुर्दशा देख कर दुखी क्यों होते थे, कारण है अद्वैत आचार्य जगत को सृष्टि करने वाले हैं, जगत का सृष्टि करता। अगर हमने कोई बच्चे जन्म दे, बच्चे नालायक हो जाए, फिर पिता माता दुखी होते हैं, निकले ये बच्चे को जन्म दिया, लिखाई पढ़ाई किया नहीं और आवारा होकर के घूमता रहता है, उल्टा पुल्टा करता रहता है, हैं, और पिता माता को मानता भी नहीं, फिर पिता माता दुखी हो जाएंगे। क्या तो उसी तरह अद्वैत आचार्य बड़े दुखी हो जाते थे, हैं, बड़े दुखी होकर के नाहीं को नव कहते, सकल वैष्णव गणे छाड़े दीर्घ श्वास। जितने वैष्णव लोग थे वो दीर्घ श्वास मतलब श्वास लेते थे। बोले क्यों श्वास लेते थे, कारण है जब देखते थे कोई जगत में भगवान की भक्ति कर ही नहीं रहे, दुनिया जिनकी, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है, सब कुछ उसका ही है, लेकिन तू उसका ही भजन नहीं करते, उसका ही नाम नहीं करते हो। इसलिए केनवा कृष्ण नृत्य केनवा कीर्तन करवा वैष्णव बोली किवा संकीर्तन। इसलिए जब वैष्णव लोग थे, जैसे मृदंग मजिरा लेकर हम लोग कीर्तन करते हैं ना, नाचते हैं गाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग गौड़ीय वैष्णव आने से पहले ऐसे कोई करते थे मृदंग करता, लेकिन नाच कूद कोई करते थे, कभी देखे हो, कभी देखे ही नहीं। इसलिए लोगों को बड़े आश्चर्य होता था, बोले ये क्या है सब कर रहे हैं, सब क्या नाच रहे हैं गा रहे हैं, पागल जैसे हैं, कोई काम धाम है नहीं, मृदंग मजिरा लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जो व्यक्ति कीर्तन ये सब करते थे ना, कुछ लोग हर तरह का लोग होते हैं, कुछ पाखंडी लोग रहते थे, बोलते ये सब क्या किसम क्या कर रहे हैं पागल जैसे, वो उपहास करते थे वैष्णव लोगों को। यहाँ पर भी बड़ो तो जैसे तुम लोग तिलक कंठी माला, बोले ये सब क्या है, हैं, ये सब कंठी माला तिलक ये सब क्या चीज़ है, हैं, लोग बड़ा आश्चर्य लगता है ना। इसलिए जब हम पहले बार इधर आए, सब तिलक माला कंठी सबको दिया, ये लोग बोले सब क्या चीज़ है, बोले हमारे सब नहीं होता है, हैं, ये सब हमारे नहीं होता है। जब प्रेमचंद का जो पत्नी थी ना, उन्होंने तो गले में कंठी तिलक, बोली ये सब क्या है, लोग क्या बोले, तो बाबा जी हो गया, हैं, बाबा जी होकर बाबा जी को पीछे डोलते हो, हैं। लेकिन जब एक बार नवद्वीप परिक्रमा में आए ना, नवद्वीप परिक्रमा में आए हो, हजार लोग तिलक कंठी माला सब ले करके हरी बोल बोले सचिनंदन गौर हरी की जय। जब उन्होंने हजार लोगों को देखा, बोले ये क्या है, ये सभी गला में तिलक कंठी माला सबके सब नाच रहे हैं गा रहे हैं, बस उसको देख करके ना फिर अपने आप बदले। बोले ये सब लोग ऐसे करते हैं, भक्ति करते हैं। इसलिए कुछ लोग वैष्णव लोगों को उपहास करते थे, इसलिए कहते अनेक, इसलिए जब श्री वृंदावन दास ठाकुर ये चैतन्य भागवत को प्रारंभ करते हैं एक श्लोक को द्वारा, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को वंदना करते हैं, कहते अजान लंबित भुजौ कनिका बदातौ संकीर्तन कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो।
कहते एक श्लोक में श्री नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु जुगपत एक साथ में दोनों को प्रणाम करते हैं। कहते उनका गुरु वृंदावन दास ठाकुर का गुरु श्री नित्यानंद प्रभु। ये श्लोक में कह रहे हैं जो नित्यानंद प्रभु जो बलदेव प्रभु है, कहते जो भगवान से ये अभिन्न है, इसलिए जगन्नाथ देखने में काले और दाऊ भैया देखने में गोरे, केवल इतना ही फर्क है। इसलिए श्री महाप्रभु ने जो जो काम को किया, कहते नित्यानंद प्रभु भी वही वही काम को उन्होंने भी किया है। इसलिए कहते अजानुलंबित भुजो, कहते जो महापुरुष होते हैं, जो भगवान होते हैं, कहते उनका जो हाथ है ना आ जानु, कहते जानु तक उनका हाथ लंबा होता है, हैं? उनके अंदर में 26 लक्षण बताई गई जो बड़े महापुरुष होते हैं। क्या क्या 26 लक्षण हैं? कहते एक लक्षण है उनका हाथ बड़े लंबा होगा, हैं? बड़े बड़े लंबे होंगे, और उनका जो आँखें है ना कमल पखनिया जैसे लंबी होगी आँखी, और उनका जो हाथ का रंग लाल वर्ण होंगे, जो अंगुल मोटे से लेकर के पतले होंगे, गले में त्रिवली पड़ा हुआ होगा, पेट में त्रिवली पड़ा हुआ, जो दांत बड़े सुंदर जैसे अनार का दाना होता है ना उनका दांत ऐसे होगा, नाक सुप पखी जैसे होगा, हैं? इसलिए उनका जो ललाट विशाल ललाट होगा उनकी, जैसे चरण में उनकी लाल रंग होगा चरण में, उन्होंने बताया गया उन्होंने 26 लक्षण के अंदर होता है, 24 लक्षण उनके शरीर में होता है। इसलिए कहते महाप्रभु का कहते अजानुलंबित भुजौ कनका बदातौ, कहते उनका शरीर का रंग कैसे है? बोले कनक, कनक मतलब होता है सोने, सोने जैसे उनका शरीर का रंग, एकदम सोने जैसे शरीर का रंग होगा, क्योंकि उन्होंने कलयुग में राधा जी की भाव अंगकांत लेकर के आए, इसलिए उनका रंग का शरीर का रंग होगा सोने जैसे। कनका बदातौ अजानुलंबित भुजौ कनका बदातौ, बोले संकीर्तन कपितरौ, वो कौन है? मतलब संकीर्तन धर्म के पितरों मतलब पिता है, हैं? पिता जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, उसी तरह जब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए, महाप्रभु इनको भेजा नित्यानंद हरिदास, जाओ घर घर में जाओ और सबसे भिक्षा मांगो। बोले किस चीज़ की भिक्षा? बोले बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, बोलना तो कृष्ण बोलना, भजन करना तो कृष्ण भजन करना, शिक्षा अगर जीवन में कुछ प्राप्त करो तो कृष्ण भक्ति को ही जीवन में शिक्षा रूप में प्राप्त करो। इसलिए मतलब ये संकीर्तन के पिता, संकीर्तन एक पितरो कमला यताक्षौ, कहते उनका दोनों आँखें कैसे? मतलब कमल के पंखुड़े जैसे लंबे लंबे हैं, मतलब पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक उनका जो आँखें होता है एकदम यहाँ से ले बड़ी बड़ी उनकी आँखें होती है। कमला यताक्षौ बोले विश्वम भरऊ, तो करते क्या? बोले विश्व को भरण पोषण करते हैं। बोले कैसे? इसलिए महाप्रभु जब जन्म हुए सारे लता पता हर भर हरा भरा हो गई, बड़े सुंदर खेती पाल फूल से पूरा दुनिया भर गया, इसलिए नीलाम्बरी चक्रवर्ती रखा, इसका एक नाम है वो विश्वम भर। क्यों? ये जन्म होते ही इतने सस्य श्यामल सब कुछ लक्ष्मी भर करके रख दी। एक दूसरा है, इन्होंने भगवान की प्रेम को द्वारा भगवान की भक्ति को द्वारा उन्होंने जगत को भरण पोषण करेंगे। इसलिए दोनों ही नित्यानंद प्रभु महाप्रभु विश्वम भरऊ बोले द्विज भरऊ, कहते दोनों कौन सा जाति में जन्म ग्रहण किए? बोले ब्राह्मण वंश में। ब्राह्मण वंश में भी छोटे मोटे जाति होते हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ जो ब्राह्मण कुल में ये दोनों ने जन्म ग्रहण किया। दीज भरऊ बोले युग धर्म पालो, यदि कलयुग का युग धर्म क्या है? बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कहिए कलयुग का युग धर्म है। और दोनों भैया आकर के उन्होंने क्या किया? कलयुग का जो युग धर्म हरि नाम संकीर्तन, उन्होंने जगत में दोनों भैया ने घर घर में जा जा करके भगवान की कीर्तन को उन्हें भिक्षा मांगे, सर्वत्र हरि कीर्तन प्रचार किए और प्रचार किए। इसलिए एक दिन बड़ो तो भी आ गए हरि कीर्तन, यहाँ पर भी सबको प्रेम में डुबो दिया। इसलिए बोले संकीर्तन एक पितरऊ बोले तम कमलाय ताक्षौ, बोले विश्वम भरऊ द्विज भरऊ
जुग धर्म पालो बंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। इसलिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों आकर क्या किया, बोले करुणा अवतारो, जगत में जो उन्होंने प्रकटित हुए हैं कहते हैं करुणा अवतारो, करुणा करके कृपा करके उन्होंने जगत में आए और सर्वत्र उन्होंने हरि नाम प्रचार किया। बोले स्वभाव अद्वैत पढ़ो कारुण्य हृदय जीवेर उद्धार चिंता हैया सदय, हमार प्रभु यदि आसेन जीवेर। इसलिए अद्वैत आचार्य सोच रहे हैं कहते उनका हृदय बड़ा दयालु, अद्वैत आचार्य का हृदय बड़ा दयालु। वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अगर मेरे जो प्रभु है, हैं कहते उनका प्रभु कौन, बोले महाप्रभु कृष्ण। कहते मेरे प्रभु अगर इसी जगत में उद्धार हो, हैं अगर मेरे प्रभु को मैं इसी जगत में उद्धार कर पाऊँ तभी मेरा नाम अद्वैत सिंह है, हैं तभी मेरा नाम अद्वैत सिंह है। इसलिए जब उन्होंने स्वयं महाप्रभु जगत में आएंगे, जब सारे भक्तों को लेकर के कीर्तन करेंगे, जगत में हरि भक्ति प्रचार करेंगे, इसलिए अद्वैत आचार्य इसको बड़ा जोर से संकल्प ग्रहण करते हैं और उन्हें एक चित्त होकर के क्या करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं सुतिया आचन खीर समुद्र सागरी निद्रा भंग हैल मोर नाड़ा हंकारे, मैं तो गोलोक वृंदावन में सो रहा था और ये अद्वैत आचार्य ने क्या किया, उन्हें ऐसे हुंकार किया मेरे आसन को इसने हिला दिया और इसका कारण से ही मैं जगत में आया और जगत में हरि भक्ति को प्रचार किया है। इसलिए जब महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को बोले तू वर मांगो क्या चाहते हो, तो अद्वैत आचार्य बोले प्रभु अगर आप मेरे को वर देना चाहते एक ही वरदान दो। बोले क्या वरदान, बोले आप जो इस जगत में आए हो बड़ी कृपा करके आए, बोले ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आए। बोले क्यों आते हो, बोले सबको हरि भक्ति देने के लिए, लेकिन जब आए हो एक ही मेरे को वरदान दो, आप ये कलयुग में जात पात का कोई विचार नहीं करेंगे, नहीं करके जो तुम्हारी पास में आ जाएगा, जो तुम्हारी पास में आएगा विचार किए बगैर उनको भी भगवत प्रेम प्रदान करना। कौन सा प्रेम, बोले छोटे मोटे प्रेम नहीं, ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव जिस प्रेम के लिए तरसते हैं वो प्रेम आप सबको, वो प्रेम सबको प्रदान करना, मेरे को यही वरदान दो। महाप्रभु बोले तथास्तु, ठीक है ऐसे ही होगा। इसलिए अब देखो वृंदावन में जाकर के देखना, वहाँ पर अंग्रेजी लोग इन लोगों को मलेच्छ मानी जाती है, क्योंकि गोमांस सुअर मांस ये सब चीज़ को ये खाने वाले हैं, हैं कोई दैव वर्णाश्रम कुछ है नहीं, हैं सुकर कुकर जैसे इनका व्यवहार है, लेकिन तब भी महाप्रभु इनको हरिनाम दिए। इसलिए देखो गले में तक कंठी तिलक चोटी रख करके, हैं हमें भारतीवासी होकर के हमको कभी कभी शर्म लगता है, हम कंठी तिलक कैसे धारण करें, चोटी कैसे धारण करें, हैं चोटी कैसे धारण करें, लेकिन वो लोग सब कंठी माला तिलक सब लगा करके धोती पहन करके, हैं देखो वृंदावन में सब तरफ घूमते हैं और हरि भक्ति को विदेश में भी हरि भक्ति को प्रचार करते हैं। एक बार मैं गया था, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, एक हमारे देसी एक गुजराती एक भक्तों घर में गए, जब भक्तों घर में गए वो बोल रहे थे मैं कैसे भक्ति में आया, हटा और तुमने देखा ये अंग्रेज लोग ऑस्ट्रेलिया में एकदम मूड मुड़ा करके इतना बड़ा तिलक गला में कंठी चोटी धोती पहन करके मेन रोड में कीर्तन कर रहे हैं। वो थे गुजराती, वो तो भारतीय भारत के थे, वो बोल रहे थे मैं तो देख देख कर दंग हो रहा था, ये क्या है, ये तो हमारे भारतीय संस्कृति है, हैं जो चोटी रखना तिलक कंठी माला लगाना ये तो भारत के लोग सब कीर्तन करती, ये अंग्रेजियों को किसने इसे बना दिया, हैं ये चोटी तिलक माला करके और मेन रोड में वृद्धा करता लगकर कीर्तन को किसने इसे पागल बनाया, ये महापुरुष कौन है जो ये अंग्रेज लोग भी तिलक कंठी माला धारण कर लिया। बोले उसको ढूंढो, ढूंढते हैं तो उन्हें ढूंढे ढूंढते ढूंढते तब भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज मिले। वो कह रहे हैं अपना अनुभूति, हैं वहाँ पर बहुत बड़े बिजनेस मैन हैं। बोले भक्ति वेदांत स्वामी महाराज मिले और फिर उनसे मिल करके फिर मैंने बातचीत किया, फिर उनसे मैंने भगवान का नाम लिया
और भगवान का दीक्षा मंत्र मैंने ग्रहण की। इसलिए कलयुग में महाप्रभु अद्वैत आचार्य जब बोलने पर उन्होंने जात पात का कोई भी विचार नहीं करते हुए सबको उन्होंने क्या करवाया, मूढ़ मुड़ाया, तिलक लगाए, गले में कंठी लगा करके सबको भगवान का नाम दिलाए, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोला श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। आज आप लोगों को जल्दी जल्दी छोड़ देंगे, क्योंकि कल हम लोग सोते सोते ना बहुत रात हो गया, इसलिए उठते उठते भी सब देर हो गया। आप लोग भी गए यहाँ से 11 बजे गए, सब घर में जाकर थोड़ा विश्राम कर लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर ब्रह्मानंदे हरे जय श्री श्री गुरु रंग धर्मिका गिरधारी राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। नितलीला प्रवेश भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। नितलीला प्रवेश भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नितलीला प्रवेश भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति वेदांत भावन गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत गौर भक्त की जय। समागत गौर भक्त।